21वीं शताब्दी यानी हमारी मानव सभ्यताओं की वो सदी जहां आज हम पूरी तरह से आधुनिक मशीनों पर निर्भर हैं। पूरी दुनिया भर में कई ऐसे आविष्कार हुए हैं जिनकी वजह से ही आज हम उन्नत तकनीकी का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, लेकिन इसके साथ भी कई आविष्कार ऐसे भी हुए जो दुनिया में आने से पहले ही गायब हो गए या कहें तो नष्ट कर दिए गए। लेकिन यदि ये नष्ट नहीं किए जाते तो क्या होता? हमारे द्वारा यह माना जाता है कि यदि ये आविष्कार हमारे साथ होते तो आज ये हमारी धरती को या कहें तो दुनिया को पूरी तरह से बदल देते। और इन्हीं आविष्कारों में से कुछ आविष्कार ऐसे भी थे जिनकी मदद से हम पास्ट में समय यात्रा या कहें तो टाइम ट्रेवल भी कर सकते थे। लेकिन दुखी की बात तो ये है कि ये आविष्कार आज हमारे बीच मौजूद नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे ही आविष्कारों के बारे में बताएंगे जो यदि आज मौजूद होते तो आज हम यहाँ से यहाँ पर होते। सो हेलो गाइज, मैं हूँ सूरज। तो चलिए शुरू करते हैं आज के नया वीडियो। लेकिन वीडियो खत्म होने के बाद आप हमारे नए चैनल अल्फाबेट को सब्सक्राइब जरूर करना। नंबर 1, स्टारलाइट या सबस्टेंस ऑफ हाईएस्ट टेम्परेचर। दोस्तों, केमिस्ट मॉरिस मोड ने साल 1970 और 80 के दशक में उन्होंने एक ऐसे पदार्थ का निर्माण किया था जो कि बेहद ही ऊंचे तापमान को सहन कर सकता था, और इस पदार्थ का नाम उन्होंने दिया स्टारलाइट। इसके बाद एक टीवी शो जिसका नाम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उन्होंने इसका प्रदर्शन भी किया। कहा जाता है कि यह पदार्थ 10,000 डिग्री सेल्सियस के तापमान को भी आसानी से झेल सकता था। इसके अलावा यह पदार्थ बड़े से बड़े न्यूक्लियर ब्लास्ट को भी आसानी से झेल सकता था। इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने दर्शाया कि अगर एक अंडे को स्टारलाइट से ढक दिया जाए और इसे आग में फेंक दिया जाए तो भी अंडा सुरक्षित रहेगा। और क्या आपको पता है, नासा ने जो कि दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी है, उसने भी इस पदार्थ पर दिलचस्पी दिखाई थी। लेकिन मोरिड बोर्न ने इसे बनाने का तरीका किसी को भी नहीं बताया और इस पदार्थ के निर्माण का तरीका उनकी मौत के साथ ही लुप्त हो गया। दोस्तों, आप सोच सकते हो कि यदि यह पदार्थ आज हमारे पास होता तो हम अधिक तापमान सहनीय यान को भी बना लेते। नंबर 2, डेथ रे। दोस्तों, आप हमारे महान वैज्ञानिक निकोलस टेस्ला को तो भली भांति जानते ही होंगे। ये अपने जमाने के सबसे महानतम वैज्ञानिकों में से एक थे। इनके आविष्कार अपने समय से कहीं आगे थे। उन्होंने कई आविष्कार ऐसे किए जो यदि हमारे पास होते तो हमारी सेनानी ताकत 4 गुना और बढ़ सकती थी। उनके कई आविष्कार आज भी हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन उनका एक आविष्कार ऐसा भी था जो सबसे अलग था। कहा जाता है कि उन्होंने साल 1930 में पार्टिकल बीम वेपन का आविष्कार किया था, जिसे डेथ रे के नाम से भी जाना जाता था। यह हथियार बड़े बड़े एयरक्राफ्ट्स को भी, जो कि मीलों दूर मौजूद होते भी, उन्हें भी यह आसानी से गिरा देता। यह हथियार जिस भी देश के पास होता वह देश कभी नहीं हारता। लेकिन कहा जाता है कि डेथ रे को निकोलस टेस्ला कभी भी पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि जो धनराशि इसे बनाने के लिए चाहिए थी वो उन्हें कभी नहीं मिल पाई। उस दौरान यह माना जाता था कि इस तरह का हथियार बनाना संभव ही नहीं है, और इसी कारण कोई भी देश इस पर पैसे लगाने के लिए राजी नहीं हुआ, और यह आविष्कार भी टेस्ला की मौत के साथ लुप्त हो गया। नंबर 3, स्लोट डिजिटल कोडिंग सिस्टम। दोस्तों, यदि मैं आपसे कहूं कि हम केवल 2GB इंटरनल मेमोरी वाले फोन में, जो कि केवल सिर्फ 2GB एक्सटर्नल मेमोरी को ही सपोर्ट करता हो, और फिर भी आप उसमें 128GB वाले फोन से भी ज्यादा डाटा को सेव कर सकते हो, तो आप जरूर इसे मानने से इनकार कर दोगे। लेकिन एक इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन जिनका नाम था जेम्स लूप, उन्होंने एक ऐसी डेटा कंप्रेशन मशीन बनाई थी जिसमें कि एक पूरी की पूरी हॉलीवुड मूवी सिर्फ 8KB में ही कंप्रेस की जा सकती थी, और उन्होंने इसका नाम दिया स्लोट डिजिटल कोडिंग सिस्टम मशीन। इसके अलावा क्या आपको पता है, उन्होंने इसका प्रदर्शन फिलिप्स कंपनी के मेंबर्स के सामने भी किया था, जिसमें उन्होंने सिर्फ 64KB की मेमोरी में 8 फिल्में एक के बाद एक करके चलाई थी। लेकिन इससे पहले वो इसका सोर्स फिलिप्स मेंबर्स के सामने बता पाते, 11 जुलाई साल 1999 को उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई, और इसके साथ साथ यह उनका स्लोट डिजिटल कोडिंग सिस्टम का फॉर्मूला भी उनके साथ ही लुप्त हो गया। नंबर 4, क्रोनोवाइजर।
दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि साल 1964 के दौरान फादर एनरेटी ने एक ऐसी मशीन का निर्माण किया था जो कि भूतकाल की चीजें देख और सुन सकती थी। उन्होंने इस मशीन का नाम दिया क्रोनोवाइजर और उनके मुताबिक ल्यूमिनस एनर्जी और साउंड जब वस्तु से निकलती हैं तो वह वातावरण में रिकॉर्ड हो जाती हैं। और क्रोनोवाइजर के इस्तेमाल से इस एनर्जी के द्वारा हम भूतकाल की चीजें देख और सुन सकते हैं। उनका कहना था कि इस मशीन की स्क्रीन से उन्होंने भूतकाल की कई चीजें देखी थी और अपने अंतिम क्षणों के दौरान उन्होंने उन सब लोगों से मुलाकात भी की जिन्होंने इस मशीन को बनाने में उनकी मदद की थी और इस मुलाकात के बाद इस मशीन को नष्ट कर दिया गया। नंबर 5, क्लाउड बस्टर या रेन मशीन। दोस्तों क्लाउड बस्टर एक ऐसा डिवाइस था जो कि बारिश को पैदा कर सकता था। जी हाँ, आपने सही सुना, इसका निर्माण ऑस्ट्रेलियन विलियम रीक के द्वारा किया गया था। ऐसा माना जाता है कि यह डिवाइस बारिश के प्रति वातावरण में मौजूद एक एनर्जी को मैनिपुलेट करता है और इस एनर्जी को विलियम रीक ने ऑर्गोल एनर्जी का नाम भी दिया था। साल 1953 में दो किसानों के कहने पर इस मशीन का प्रयोग किया गया था। एक अनुमान और सूत्रों के मुताबिक 6 जुलाई साल 1953 को विलियम रीक ने सुबह के समय क्लाउड बस्टर का इस्तेमाल किया था और आश्चर्य तब था जब शाम तक बारिश शुरू हो गई थी, लेकिन साल 1953 के बाद उन्होंने यह प्रयोग फिर कभी नहीं किया। उस समय उनके आविष्कारों और क्लाउड बस्टर को गैर कानूनी करार दिया गया था और इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में जेल में ही उनकी मौत हो गई। दोस्तों कई लोगों का मानना है कि उनके इस आविष्कार से किसानों को बेहद राहत मिलती और अनाज की पैदावार और भी बढ़ जाती, लेकिन कई अमीर देश ऐसा नहीं चाहते थे क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो गरीब देशों से उनका नियंत्रण हट जाता और इसी कारण उन्होंने डॉक्टर जॉन विलियम रीक को कैद कर लिया और उनके आविष्कार को नष्ट कर दिया। दोस्तों आज भी उनके आविष्कार के अवशेषों को रेंगले माइन में देखा जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि ऐसा है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे नए चैनल अल्फाबिट को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ साथ में इस नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।